मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। भिवंडी पुलिस इन दिनों एक आरोपी की तलाश में लगी हुई है, मगर ये आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है और अब पुलिस ने इस आरोपी की तस्वीर को ऑटो रिक्शा, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, गली मोहल्लों में लगा रही है और इसे पकड़वाने वाले को इनामी राशि के तौर पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस कथित आरोपी का नाम है गुलाम रब्बानी। इस पर एक लड़के को किडनैप करने का आरोप है। दरअसल भिवंडी के नवी बस्ती नेहरू नगर में रहने वाले मोहम्मद रशीद के 17 साल के बेटे मोहम्मद शोएब शेख का 20 नवंबर 2020 को दोपहर में घर के पास से ही एक मस्जिद के वजू खाने के पास से गायब हुआ था। आखिरी बार मोहम्मद शोएब शेख को वजू खाने के पास ही बैठा हुआ देखा गया था। पुलिस में इसकी शिकायत भी शोएब के माँ बाप ने कर दी थी, मगर 2 साल गुजर जाने के बाद भी शोएब का कुछ पता नहीं चला और अब अचानक से मामले में कुछ बातें सामने आई कि मोहम्मद शोएब को गुलाम रब्बानी नाम के शख्स ने किडनैप किया था, ऐसा इस व्यक्ति पर आरोप लगा है। ऐसी जानकारी हमें भिवंडी के रहने वाले कुछ सूत्रों से भी मिली है और पीड़ित परिवार के काफ़ी करीब रहने वाले लोगों ने भी गुलाम रब्बानी पर ही शक जाहिर किया है और पुलिस भी गुलाम रब्बानी को किडनैपिंग के मामले में ढूंढ रही है। हालांकि गुलाम रब्बानी को जब इस पूरी मामले की जानकारी लगी तो वो भिवंडी शहर से फरार हो गया और अब भिवंडी पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही है और अब गुलाम रब्बानी के गिरफ्तार होने के बाद ही इससे पर्दा उठेगा कि क्या वाकई में शोएब का किडनैप इसने किया। अगर इसने किया तो उसके साथ इसने क्या किया, शोएब का खुलासा तभी हो पाएगा जब गुलाम रब्बानी पुलिस की गिरफ्त में आएगा। यह एक बात और आपको बता दें कि इसी तरह के एक दूसरे मामले में भिवंडी पुलिस ने एक बच्चे की फोटो ऑटो रिक्शा, बस स्टैंड, अन्य जगहों पर लगाकर सहायता मांगी है। ये बच्चा भी गायब हो गया है। भिवंडी के कामत घर इलाके का एक 15 महीने का बच्चा लापता हो गया है और उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। अगर किसी को भी जानकारी आपको इस पूरे मामले के बारे में लगती है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं।